वेलकम बैक टू टॉप और इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट्स क्लास आई होप तुम लोगों को क्लास में आके बहुत मजा आ रहा होगा आई नो कि तुम लोगों को बहुत ऐसा लग रहा होगा कि अच्छे यार क्लास में तो कितना ज्यादा बर्डन आ गया अभी तीन चार ही दिन के और ऐसा लग रहा है कि भाई पता नहीं खाई जाएगा क्या हर हर कोई आपको बता रहा होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से पढ़ो ऑफकोर्स मैं भी आपको यही बताऊंगी बट बत ज्यादा बर्डन लेने की कोई जरूरत नहीं है ज्यादा टेंशन मत लो और तुम्हारे एफ की सारी जिम्मेदारी मैंने ले ली है ठीक है उसके बारे में तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है बस तो स्टेट

तो उसको सुन लो जरा सबसे पहले हमारे पास आएगा इन्वेस्टमेंट बेसिक्स देखो यार आपने जो क्लास नाइन्थ में जो एफ एम एम पढ़ा था ना वो बहुत ही बेसिक एफ एम एम था थीके? उसके बारे में हम लोग ने पे इन्वेस्टमेंट वगैरह इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ रहा था बट क्लास में जो FMM है वो बहुत ही स्टैंडर्ड और एडवांस लेवल का है ठीक है ऐसा नहीं बहुत डिफिकल्ट है डिफिकल्ट कुछ नहीं है बहुत बहुत ही अच्छी चीजें आपको पता चलने वाली हैं आपको पता चलेगा कि अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या होता है हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए कब करनी चाहिए कैसे करनी चाहिए इंटरेस्ट क्या होता है लॉन्ग टर्म क्या होते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल क्या होते हैं जहां जहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अब तक तो तुम लोगों को शायद पता नहीं होगी कि भाई शेयर क्या होता है क्या होता है ये शेयर खरीद लो शेयर बेच दो स्टॉक्स क्या होता है और इसके काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप जिसको तुम लोग पढ़ने वाले हो और कैसे ये होता है कि अच्छा हम लोगों ने एक शेयर बेच दिया वो दूसरे के अकाउंट में पहुंच गया और जो हमने खरीदा वो हमारे अकाउंट में आ गया वो सब कैसे होता है उसके बाद आपका चैप्टर टू शुरू होगा जहाँ पे हम लोग सिक्योरिटीज की बात करेंगे कि सिक्योरिटीज क्या होता है अब ये सिक्योरिटीज का जो पूरा ये पूरा फंक्शनिंग होती है इसकी कैसे होती है कि आपके अकाउंट में आया दूसरे के अकाउंट में गए और ये सब कुछ इतना अच्छे तरीके से कैसे मैनेज हो पाता है और मार्केट में कुछ प्रॉब्लम ना आए सब कुछ चीज़ें स्मूथ चलती रहे इसके लिए मार्केट में क्या क्या होता है कौन कौन से ऐसे लोग होते हैं जो मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं कर सकते हैं मार्केट के रेगुलेटर्स कौन होते हैं कौन मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी क्या होता है सेबी का रोल क्या होता है सेबी एक इंस्टीट्यूशन है जिसके बारे में तुम लोग अपने चैप्टर टू में बहुत अच्छे से पढ़ोगे बहुत ही ज़्यादा ईजी है तुमने टेंशन बिल्कुल भी लेनी नहीं है जितना मैं पढ़ा रही हूँ हल्का सा रिवाइज कर लेना बुक से एंड नोट्स मैं मैं तुमको तुमको दे दे दूंगी दे दूंगी क्वेश्चन सारे उसमें होंगे पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है इसके बारे में बात करेंगे एंड देन हमारा चैप्टर थ्री आएगा चैप्टर थ्री में हम लोग प्राइमरी मार्केट की बात करेंगे कि अच्छा जब कोई कंपनी पहली बार शेयर ऑफर करती है ऑडियंस को या इन्वेस्टर्स को तो उसको क्या बोलते हैं कैसे होता है ये काम कैसे इशू किए जाते हैं शेयर्स उसका प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है कितने टाइप के इश्यूज होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं तुम को इशूज का संबंध में आ नहीं रहा होगा

सेकेंडरी मार्केट क्या है अच्छा एक बार अगर कंपनी ने जो शेयर थे वो निकाल दिए जब वो दोबारा निकालेगी तो वही कंपनी सेकेंडरी मार्केट के अंदर आ जाती है थोड़ा सा बस बेसिक मैंने बता दिया इसका मतलब क्या होता है रोल क्या होता है अभी जो चैप्टर थ्री आपका था वो था प्राइमरी मार्केट एंड जो सेकेंडरी मार्केट है वो चैप्टर फोर है अब इन दोनों मार्केट्स के बीच में डिफरेंस कहाँ पर आता है क्या क्या डिफरेंस होता है इनके बीच में ये सब आपको पता चलेगा फिर स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है भाई अब ये क्या बोला है स्टॉक एक्सचेंज है ना अब ये डी म्यूचुअलाइजेशन क्या होता है ये कैसे चलती है ये सारी चीजें स्टॉक में ट्रेडिंग कैसे होती है है ना ये सबको जानना होता है कि अच्छा भाई ये ट्रेडिंग हो कैसे रही है कैसे हो ये ट्रेडिंग बस हमें पता चल जाए जल्दी से तो तुमको इसमें ये पता चलने वाले हैं कि ट्रेडिंग कैसे होती है किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो नहीं करनी चाहिए कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए कौन सा ब्रोकर होता है ब्रोकर कितने पैसे चार्ज करता है वो सारी चीजें कहाँ से आती हैं कहाँ को जाएगी तो आगा लाइफ तो में हमें मरवाएगा ये सब पढ़ना पड़ेगा तुम्हें इसमें डिफिकल्ट नहीं है फिर बोल रही हूँ ठीक है ये चैप्टर फोर जो है बहुत ही फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन वाला चैप्टर है बहुत मस्त चैप्टर है बहुत मजा आएगा तुम्हें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी यू विल बी फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन

ये सब होता है उसके बाद आपका चैप्टर आएगा जहाँ पे हम लोग डिपॉजिटरी की बात करेंगे आपके अकाउंट में कोई शेयर कैसे आया आपके अकाउंट में कोई शेयर कैसे दूसरे के अकाउंट में पहुंचा कैसे आपने जो पैसा दिया था वो इसको मिला इसने जो शेयर दिया था वो आपको मिला बीच में कौन है जो ये काम करवा रहा है किसके थ्रू ये काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है अगर कोई प्रॉब्लम आए तो क्या होगा कैसे हम इंटरनेशनल लेवल पर एक शेयर को पहचानते हैं तो उसके लिए हमको एक आई आई नंबर मिलता है कौन लोग होते हैं जो हमारे शेयर्स को या हमारे अकाउंट्स को संभाल के रख रहे होते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए एंड देन सबसे सुनने वाला टॉपिक सबने सुना होगा अच्छा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए भाई वॉट इज म्यूचुअल फंड तुम्हें पता चलेगा और इन सब चैप्टर्स को पढ़ने के बाद तुम इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लोगे कि अच्छा थोड़ा बहुत पैसा कहीं इन्वेस्ट करना सीख जाओगे बहुत ज्यादा मत करना इनिशियली मैं नहीं वो बोलूंगी बट हाँ तुमको जब एक बारी समझ में आएंगे सारी चीजें तो तुम अगर दिमाग लगाओगे तो तुम भी इन्वेस्टमेंट अभी कर सकते हो टेंथ क्लास में ठीक है तो आपको पता चलेगा कि भाई म्यूचुअल फंड बेसिकली होता क्या है कौन इसको रेगुलेट करता है क्या बेनिफिट्स है जैसे आप हर कोई उठा के बोल देता है कि भाई म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर लो तो भाई म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं ठीक है फिर उसके बाद हम मिसलेनियस चैप्टर में आएंगे दिस इज चैप्टर एट ये बहुत अच्छा चैप्टर है इसमें भी तुम्हें बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी कि कंपनीज जो काम करती हैं कंपनीज जो डिविडेंड देती हैं वो कैसे होता है स्टॉक स्प्लिट क्या होता है ये बहुत अच्छा टॉपिक है स्टॉक स्प्लिट मजा आएगा इसे फिर के बाय बैक क्या होता है जब कंपनी अपने शेयर दोबारा खरीद लेती है नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि एक कंपनी है वो एक इन्वेस्टर को अपने शेयर दे रही होती है ठीक है बट बायबैक में क्या होता है बायबैक इज समथिंग वेर जो कंपनी होती है वो इन्वेस्टर्स से शेयर वापस ले लेती है अब वो ऐसा क्यों करती है ऐसा कैसे करती है इसके क्या रूल्स हैं क्या रेगुलेशन है फिर आएंगे हम लोग अपने चैप्टर नाइन पे चैप्टर नाइन में हमारे पास है कॉन्सेप्ट मोड्स ऑफ एनालिसिस अब बहुत सारे तरीकों से आपको पता चलेगा कि कैसे इंटरेस्ट को मैनेज करना है कैसे आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है मान लो कहीं पर आपने सौ रुपए इन्वेस्ट किए ठीक है ठीके? और छह परसेंट की इन्फ्लेशन चल, मतलब चल रही है इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है महंगाई चल रही है ठीक है अगर महंगाई चल रही है छह परसेंट एनुअली तो अगले साल वही सौ रुपए की जो चीज थी वो अगले साल एक सौ छह रुपए की हो जाएगी ठीक है तो तुमको कम से कम इतना ध्यान देना है कि भाई इन्फ्लेशन से ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट रेट होना चाहिए इतना भी नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर आप सोचो कि अच्छा नहीं छह परसेंट इंटरेस्ट रेट है तो वो एक सौ तो फिर बचाओगे क्या कम से कम ये दस परसेंट इंटरेस्ट रेट होना चाहिए तब आपको चार आप सेव भी कर पाओगे क्योंकि अगले साल भी तो हमें पैसा सेव करना है ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ोगे बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर ये बुक बहुत ही ज्यादा मस्त है और मैं अपने चैनल पे जितने भी वीडियो बनाती हूँ इन सबसे रिलेटेड मुझे सबसे ज्यादा मजेदार क्लास टेन थे लगती है पढ़ाने में और पढ़ने में भी अफकोर्स इसके बाद टेंथ चैप्टर हमारा आएगा रेशो एनालिसिस एनालिसिस पढ़ रहे होंगे हम लोग कि भाई रेशो कैसे एनालाइज करते हैं बहुत तरीके के रेशोज होते हैं उसके बाद हमारा ये चैप्टर वन शुरू होगा और ये एक नई वीडियो आएगी इसके लिए सो स्टे ट्यून सब्सक्राइब फॉर मोर थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय टेक केयर डोंट टेक एनी टेंशन मैंने बोल दिया तुमको नोट्स मैं दूंगी तुमको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे मैंने सारे नोट्स बना के रख लिये क्वेश्चन बैंक तुम्हारा बना लिया एक एक क्वेश्चन जितना भी आने वाला है उससे हटके कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में नहीं आ सकता ना तुम्हारे यूटी में आ सकता एवरी ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज देयर इन द क्वेश्चन बैंक तुम लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सो जस्ट यू सब्सक्राइब फॉर मोर थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय